Hello students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. Dear students, yesterday we have learned about water. Kiske bare mein pad rahe hain hum? Water, W-A-T-E-R, water. You know where we get what? Why we use water? Why we need water? Hamein water ki zarurat kyun padti hai? Because we need to drink it, we need to bath, we need to cook food. So by using water, we cook food, we wash our clothes, we put fire out, we put out fire, we clean our house. In this way, water is very much useful in our day-to-day life. Hana? And we cannot live without water. Hum water ke bina nahi reh sakte, bina pani ke hum nahi reh sakte. Isliye water is must needed in our day-to-day life. Hum bahut sari cheeze water ke through karte hain, jo humne kal video mein padha. Aaj hum padhne wale hain, we are going to learn about sources of water. Sources of water. That means हमें पानी water कहाँ से मिलता है? Where we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? So that are the sources of water. The main important source of water is R-A-I-N, rain. Rain होती है, बारिश होती है, उससे हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्यार पानी हमें बारिश से मिलता है. So rain is the most main source of water. Okay, so rain is the main source of water. Rain water that falls on the ground gets collected in the water body. और यही जो बहता हुआ नदी का पानी है, जो बारिश में पानी बहता है, बारिश से पानी नीचे आता है और वो रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है काफी सारी अलग अलग वाटर बॉडीज में. दैट वाटर बॉडीज आर पॉन्ड्स. पॉन्ड्स मतलब होता है तालाब. ठीक है, तालाब, छोटे छोटे तालाब जो रहते हैं उन्हें पॉन्ड्स कहा जाता है. स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, रिवर्स, seas and oceans. Oceans and seas are the biggest water bodies, and ponds, streams, lakes and rivers are some small water bodies. Okay, so these are all the water bodies where rain water collected. Hai na? Rain ka pani jaake kahan collect hota hai? Bahut sari rain hoti hai, bahut sara pani aata hai hamare earth mein. Wo kahan pe collect hota hai? Ponds yani talab mein, streams, lakes, rivers, seas and oceans. अब आप बोलोगे मैम हर जगह नदी पानी तालाब तो नहीं होता, रेन तो नॉर्मल रोड में भी होती है ना. सो रोड में जो रेन होती है वो रेन कहाँ जाती है? अंडर द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के अंदर पानी जाता है. दैट इज कॉल्ड अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, जो रेन का पानी हमारे वाटर ग्राउंड के अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. एंड इसमें ये सारे वाटर बॉडीज में जो पानी जमा होता है उसे बोला जाता है सरफेस वाटर. दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर. वाटर बॉडीज, जो वाटर की बॉडीज में पानी जमा होते हैं दैट आर कॉल्ड सरफेस वाटर. So let's read this paragraph, sources of water, page number 2929. Sources of water. Rain is the main source of water on the earth. Rain water that falls on the ground gets collected in water bodies like ponds, streams, lakes, rivers, seas and oceans. This water is called surface water. Some rainwater seeps into ground.
जमीन पे, रोड में बारिश पड़ती है, सो उसे कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के अंदर है यानी जमीन के अंदर जो पानी चला जाता है, सूख जाता है, उसे कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स टू, अब इसके लिए जब हमें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए उसके लिए बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा काफी सारे वेल्स देखते हैं। वी डिग वेल टू टेक दिस वाटर, यू कैन सी वेल हियर एंड सम अदर वाटर बॉडीज। ओके, सो दीज आर ऑल कॉल्ड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी मीन्स जहां पे पानी रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर बॉडीज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट वाटर। यस्टरडे वी हैव सीन दैट हाउ वाटर हेल्प अस, एंड टुडे वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए सोर्सेज जहां से हमें पानी मिलता है। देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ड्रिंकिंग वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारे घर में भी पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। वी नीड टू मच वाटर एट अवर होम बिकॉज वी हैव टू डन सो मैनी एक्टिविटीज विद द वाटर ओनली, है ना। वाटर के बिना वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट डू सम एक्टिविटीज विदाउट वाटर। सो एट होम, घर पे हमें पानी कैसे मिलता है? एट होम वी गेट वाटर थ्रू टैप्स, नल के थ्रू हमारे घर में पानी आता है टैप्स के थ्रू। टैप वाटर कैन बी क्लीन बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग। ओके, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन्हीं का पानी हम हमारे शहर के एक एरिया में कलेक्ट किया जाता है और उसे मशीन्स के थ्रू बॉइल करके, फिल्टर करके हमारे घर तक थ्रू द पाइप्स पहुंचाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन स्टोर्ड इन क्लीन क्लोज कंटेनर। हैव यू सीन, जब भी आपकी मामा घर पे पानी भर के रखते हैं वाटर ड्रिंकिंग के लिए, वो हमेशा एक क्लोज कंटेनर में उनको भर के और अच्छे तरीके से क्लीन और फ्रेश वाटर रखते हैं ताकि हम अच्छा और क्लीन पानी पी सके। वी ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, क्योंकि हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। डर्टी वाटर मेकर्स कैन कॉज मैनी डिजीजेस बिकॉज डर्टी वाटर, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। तो इन दिस वे वाटर इज वेरी मच यूजफुल एंड वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रैमी सेज वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट। ग्रैनी हमें बता रहे हैं कि जो वाटर है, वाटर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वाटर के बिना रह नहीं पाते, सो हमें उन्हें वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी मच कंपल्सरी एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो अगर आपके ग्लास में या आपके वाटर बॉटल में पानी रह जाता है तो उसे आप फेंकिए मत, डू नॉट वेस्ट इट। तो आप उस पानी को, वाटर को प्लांट्स में डाल सकते हैं, है ना, किसी ऐसे जगह स्टोर करके रखिए ताकि आप उसे रीयूज कर सके या प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे यूज कर सके। सो वाटर इज टू मच इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट एयर एंड वाटर। दिस चैप्टर टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनिंग। Tomorrow we will do exercise of this chapter. So before that, dear students, you have to read out whole chapter. पूरा chapter आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमने इस chapter में क्या-क्या पढ़ा? Air is all around us. We only feel it when it moves. हमने air के बारे में पढ़ा कि air हर जगह होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। But we can feel it. हम उसे महसूस कर सकते हैं। एयर हैज मैनी यूजेस, एयर से हम बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं, जैसे अगर हमें बलून फुलाना हो तो वी यूज एयर, है ना, बॉल्स, टायर्स फिल करना हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी ब्रेथ विथ एयर। ओके, हम
हमारी जो सांसें हैं, हमारी ब्रीदिंग जो है एयर के वजह से ही होती है. एंड वी कैन लीव, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव. और हमने फिर एयर के बाद पढ़ा वाटर के बारे में. एंड वाटर इज ऑल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स आर दोज हु कैन ग्रो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड हु कैन ग्रो, है ना, जो बड़े होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी पीपल, ह्यूमन बींग्स. ओके, दीज ऑल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. इसके बारे में हमने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होते हैं. देर आर सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, बट रेन, रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब बारिश होती है तब नदी, झरने, सीज, ओशंस, पॉन्ड्स, तालाब सब भर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन एंड वी गेट मोर एंड मोर वाटर. एंड इन अवर होम वी गेट वाटर थ्रू टैप्स, नल के थ्रू हमारे घरों में भी हमें पानी मिलता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव लर्न, वी डू नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर एवरी डे. So in this way, dear students, we have completed our chapter. I hope you all have understood about air and water. So dear students, tomorrow we will continue our class and solve exercise given on the book, and also we will write question and answers in the notebook. Okay, so before that you have to read out the whole chapter. आपको पूरा chapter अच्छे से पढ़ना है. कोई पॉइंट अगर आप नहीं समझाओ यू कैन आस्क मी. ओके, बाय सेंडिंग अ स्मॉल मैसेज ऑन माय नंबर. सो स्टूडेंट्स, आपके ओरल एग्जामिनेशन चल रहा है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ओरल्स ऑल्सो. एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू सिलेबस ऑल्सो, है ना. नया सिलेबस भी आपका चालू हो गया है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है बिकॉज अक्टूबर मंथ में फिर से आपकी एग्जाम होगी और वो बिग एग्जाम होगी. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू ईवीएस सब्जेक्ट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, आई विल कॉल यू फॉर ईवीएस ओरल. ओरल के लिए हम आपको कॉल करेंगे, आपको आंसर्स बताने हैं एंड रिजल्ट भी आपका वेरी सून डिक्लेयर हो जाएगा. सो टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू रीड द चैप्टर एयर एंड वाटर लेसन नंबर 7. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.